गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन, देयर फंक्शंस, द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। नाउ एंड लास्ट इन लास्ट वीडियो आई आस्क यू क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट विद द थ्री पॉइंट्स वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। दीज थ्री पॉइंट्स आर, फर्स्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन, सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, एंड थर्ड हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, वी नो वेरी वेल दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन, एंड इलेक्शन कमीशन इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव नो कंट्रोल of government or the any other authority. Election commission is totally free. So we can say that the elections held by election commissions are the free and fair. Second thing, people's participation. अगर हम बात करें people's participation की, तो जैसा कि हम अपने भारत में देखते हैं, इंडिया में, in India the people's participation is continue increasing. When we compare the elections of today before the 20 or 30 years ago, we find that the people's participation is continue increasing. But and how can we count this? We count this with the voter turnout. What is the voter turnout? Voter turnout means percentage of voters percentage of voters who poll their vote. Suppose that if there are 100 voters, among them 60 voters poll their vote, so this is the turn out, right? So with the voter turnout we can know that how much the people are participating in the election. But one thinkable questions that in India the common people and the poor people are participating in the elections, they taking the interest in the election more in comparison than rich people. The poor people, they poll their vote, they take the interest in the election in comparison than high class people. क्या आप जान सकते हैं ऐसा क्यों है? It's very simple, because the poor people and common people, they have the faith and belief that their problem will be solved by the government. The problem of education, problem of electricity, problem of employment. So when they will be unsatisfied with the present government, they took participate, they take interest in the elections to change their ruler, and they form the new government with the new hope and new aspirations, right? So interest of voters is continue increasing in the India. Now you can see on the screen the voter turnout figure in national elections of India. In 1996, 58%, 98, 62, then 60, 58, and in 2014, it is the 64. So we find that the voting turnout is continue increasing, right? So the voters turnout in India continue increasing. Now comes to the second. अब अगर हम बात करें इलेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, वी फाइंड दैट इन आवर कंट्री आफ्टर द इलेक्शन वी हैव सीन दैट मेनी सिटिंग एम पी एज एम एल ए लॉस्ट देयर इलेक्शन, द रूलिंग पार्टी दैट इज प्रेजेंट टाइम रूलिंग इन द स्टेट आर कंट्री, इन द इलेक्शन द पीपल गिव नो अपॉर्चुनिटी टू देम एंड द दे इलेक्ट द न्यू गवर्नमेंट। ऐसी कई पार्टियां, ऐसे कई कैंडिडेट्स आपने देखे होंगे जो उस समय सिटिंग एम पी एम एल ए थे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा, तो रूलिंग पार्टी की सरकार को भी डिसमिस होना पड़ा और उसके बदले नई सरकार चुनी गई। इट मीन्स दैट पीपल्स आर चॉइसेस, पीपल्स आर सेलेक्ट द कैंडिडेट्स ऑन देयर चॉइस। वी हैव सीन दैट मेनी people who are using a lot of money in the election,
बट दे लॉस द इलेक्शन। बहुत से आपने देखा होगा वो कैंडिडेट बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, इसके बावजूद भी वो इलेक्शन हार जाते हैं, बिकॉज इन इंडिया द नाउ द इलेक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन द पीपल्स चॉइस एंड इलेक्शन रिजल्ट आर एक्सेप्टेड एज द पीपल्स वर्डिक्ट। मीन्स जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो ये शो करता है कि लोगों की चॉइस यही है। रूलिंग पार्टीज लूज द इलेक्शन, इन इंडिया हाफ ऑफ द सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव लॉस द इलेक्शन बाई यूजिंग द मनी एंड मसल पावर द पीपल्स लॉस द इलेक्शन। हियर वी कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इन द इलेक्शन ऑफ 2019 द एंड ऑल्सो द 2014 द बीजेपी गॉट द फुल सपोर्ट बाई द पीपल। हियर द सेकेंड कार्टून फिगर, हियर वन पर्सन इज सेइंग दैट नाउ यू आर द मल्टी हेडेड मॉन्स्टर इज गोइंग टू बी कॉल्ड कोएलिशन। मीन्स जो रूलिंग पार्टी थी वो हार गई और उसके बाद वो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाएंगे। मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई द पीपल्स बाई द लीडर्स बाई द पोलिटिकल पार्टीज। क्लियर? सो एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। एक नेक्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एज वी नो दैट इलेक्शंस आर थ्री टाइप्स। जनरल इलेक्शन मीन्स द इलेक्शंस दैट इज हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज दैट इन स्टेट असेंबली इलेक्शन इन होल स्टेट्स इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड दिस इज नोन एज द जनरल इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन मीन्स एज यू नो वेरी वेल दैट इन इंडिया द टर्म इज ऑफ इलेक्शन इज द 5 years। बट इफ द गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड ड्यू टू एनी रीजन्स देन इफ द इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर कंप्लीटिंग द 5 years। 5 years कंप्लीट होने से पहले जो इलेक्शन होता है सपोज दैट 2 years में गवर्नमेंट गिर जाती है और वहाँ पे नई सरकार बनाने के लिए इलेक्शन होता है तो दिस इज नोन एज द मिड टर्म इलेक्शन। एंड थर्ड इज द बाई इलेक्शन। सपोज दैट इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यू टू द डेथ ऑफ कैंडिडेट आर रिजाइन ऑफ दैट कैंडिडेट दैट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन इज हेल्ड दिस इज नोन एज द बाई इलेक्शन इन पर्टिकुलर आर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यू टू डेथ आर रिजाइन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? दिस इज द टाइप्स ऑफ इलेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। अगर हम बात करें चैलेंजेस इन इंडिया, देर आर सो मेनी चैलेंजेस इन द इलेक्शन, द कास्टिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द पॉवर्टी, कम्युनल पॉलिटिक्स, करप्शन, दीज आर सो मेनी चैलेंजेस। बट इफ वी टॉक अबाउट द मेन चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंजेस इज द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। वी कैन सी दैट इन इलेक्शन मेनी कैंडिडेट आर मेनी कैंडिडेट्स आर यूजिंग लॉट ऑफ मनी दैट द इलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड द फिक्स अमाउंट फॉर स्पेंडिंग इन द मनी बट द मेनी कैंडिडेट्स एंड पोलिटिकल पार्टीज स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। So this is the first problem, the use of money and muscle power. The second problem and the second challenge in the Indian elections, the family dominance in political parties. We can see in many political parties of India, the family dominance is effective. Means किसी एक परिवार का असर उस पार्टी पे ज़्यादा रहता है। कंटिन्यू उसी परिवार के मेंबर, उसी परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है, उसी परिवार के लोगों को बार बार जो है प्रेजेंट किया जाता है टॉप लीडर के रूप में। तो दिस इज द फैमिली डोमिनेंस। वी कैन सी इंडिया आर मेनी इन इंडिया मेनी पोलिटिकल पार्टीज आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। थर्ड थिंग ऑफर लिटिल चॉइस टू सिटीजन्स। ऑफर लिटिल चॉइस टू सिटीजन्स मीन्स द डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज आर द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, द वोटर्स हैव नो चॉइस। हम देखते हैं कि कई पोलिटिकल पार्टियों कि जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो उनके चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, उसमें उनके सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रहते हैं। इन दैट सिचुएशंस द पीपल्स आर द वोटर्स हैव नॉट ए डिफरेंट चॉइस, सो दिस इज नॉट ए गुड प्रोसेस फॉर द इलेक्शन। द इलेक्शन शुड प्रोवाइड द बेटर चॉइस एंड द पीपल्स कैन कंपेयर देम। एंड अदर थिंग्स
स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, दे डोंट गेट द मोर फैसिलिटीज इन कंपेरिजन दैन नेशनल एंड बिग पार्टीज. क्लियर? सो दीज आर द चैलेंजेज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. यू कैन सी इन द स्क्रीन बाई दिस कार्टून हियर, ये पर्सन इज सेइंग दैट व्हाई डिड नॉट ही हैड टू शो हिज फोटो आईडी, ही इज नॉट वोटिंग इन द इलेक्शन, ही इज बाइंग इट. मीन्स दैट पर्सन इज द रिच पर्सन, ही इज यूजिंग द मनी पावर. सो यूज ऑफ मनी इज ये चैलेंज फॉर द इंडियन इलेक्शन. एक्सेप्ट दिस, वी कैन सी दैट इन इलेक्शंस मेनी कैंडिडेट वांट्स टू अफेक्ट द वोटर्स बाय द यूज ऑफ मनी एंड पावर. हियर्स द अदर चैलेंजेस आर रिटन, द पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन एट्सेट्रा, कम्युनलिज्म, राइट? एक्सेप्ट दिस, वन अदर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फॉर द इंडियन इलेक्शंस, द एंट्री ऑफ क्रिमिनल माइंड पीपल्स इन द पॉलिटिक्स. मेनी क्रिमिनल पर्सन्स गेट द चांस फ्रॉम पोलिटिकल पार्टीज एंड दे कम्स एंड कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन बाई देयर पर्सनल पावर एंड मनी पावर. समटाइम्स मेनी कैंडिडेट विन द इलेक्शन एंड दिस इज नॉट गुड पिक्चर, नॉट ए गुड सिंबल फॉर द बेटर कंट्री, फॉर ए गुड डेमोक्रेसी. सो दीज आर द चैलेंजेस. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. फर्स्ट, द मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सेकेंड, अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल. द इलेक्शन कमीशन अनाउंस ऑल द डेट्स व्हेन द काउंटिंग विल बी डन, ऑल दीज थिंग्स अनाउंस. थर्ड स्टेप इज द फाइलिंग नॉमिनेशन. आफ्टर दैट द स्टार्ट द इलेक्शन कैंपेन. उसके बाद इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है. देन द रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टोज. मैनिफेस्टोज मीन्स एवरी पोलिटिकल पार्टी इज रिलीजिंग दियर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लिस्ट, राइट? दिस इज नोन एज द इलेक्शन मैनिफेस्टोज. देन ऑन द फिक्स पोलिंग डे द कास्टिंग ऑफ वोट्स, लेटर द काउंटिंग एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट. ऑर्डरिंग ऑफ रीपोल. सपोज दैट इफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एनी पोलिंग बूथ देयर इज ए प्रॉब्लम, इन दैट सिचुएशन द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू गिव ऑर्डर फॉर द रीपोल. अगर कहीं पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उस सिचुएशन में, इलेक्शन कमीशन को ये राइट्स होता है कि वो रीपोल का ऑर्डर दे सके. एंड लास्ट, दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टूडेज लेक्चर. फर्स्ट, हाउ इज द पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन. कैसे हम मेजर्स करते हैं बाय द वोटर टर्नआउट. हाउ कैन यू से दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया. भारत में इलेक्शंस फ्री और फेयर कैसे हैं. हाउ कैन वी चेक द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस. स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू थ्री पॉइंट्स. डिस्क्राइब एनी थ्री चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. एंड ऑल्सो, डू यू थिंक द इलेक्शन प्रमोट डेमोक्रेसी. दिस इज द वैल्यूएबल क्वेश्चन एंड द बेस्ड ऑन योर थिंकिंग. आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस के द्वारा डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है. सो राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड बाई योर ओन थिंकिंग. सो दिस इज द टूडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सिविक्स. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.